दिनांक 4 नवंबर 2022 को कपकोट के सौराग में पेड़ पर शव लटका मिला था, जिसकी शिनाख्त राजेंद्र प्रसाद पुत्र मदन राम के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं तहरीर में देरी के कारण वहां के ग्रामीणों ने कपकोट थाने पहुंचकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की तथा दोषियों को सजा देने की अपील की। 5 तारीख को ये मेरे लड़के को ले गए काम पे। कौन ले गए थे? वो बसंत राम ने भेजा, वो तो रहा घर में, और पूनर राम, इंदर राम और मेरा बेटा, ये तीनों आ गए यहाँ काम पे। तो उन्होंने बताया हमको कि 7 तारीख को गायब हुआ है, और फिर हम 9 तारीख को यहाँ आ गए ढूंढने के लिए, हमें कहीं नहीं मिला। तो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी हमने फिर तब जाके 11 तारीख को यहाँ कपकोट थाने में एफआईआर दर्ज की। तहरीर देने आए थे आज, ये लेने में इनकार करने लगे। राजेंद्र राम जी का यहाँ हत्या हो चुकी थी, 1 महीना 2 दिन में उनकी लाश मिली। हमने तहरीर के लिए कोतवाली कपकोट आए हुए थे, तो यहाँ एसओ साहब तो थे नहीं, लेकिन जो यहाँ मुंशी हैं तो उनसे हमने कहा कि जो हम ये तहरीर दे रहे हैं तो इसे रिसीव कर दीजिए। उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया कि रिसीविंग नहीं होगी। जब हम रिसीविंग तहरीर ही नहीं देंगे तो ये एफआईआर दर्ज कैसे करेंगे? फिर क्या उनके पास सबूत रहेंगे, क्या गवाह रहेंगे? तो ये कहने लगे जब हमारे अशोक साहब आएंगे तब जाके हम रिसीव करेंगे। तब उसके बाद हम धरने में बैठे, तब जाके अशोक साहब भी आए और इंचार्ज साहब, ये जितने हैं और लोग भी आए, तब जाके इन्होंने रिसीव किए, तब जाके हम जा रहे हैं। अगर इसमें जल्दी से जल्दी अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम दोबारा पूरे ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठेंगे। इसमें मदन राम के बेटे की गुमशुदगी हमने 11 तारीख को लिखी थी पिछले महीने, और 27 तारीख को उसमें हमने मुकदमा लिख दिया था 365 IPC का, और 5 तारीख को उसकी बॉडी मिली है सौराग क्षेत्र से, जंगल से। जी सर। उसको हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनु तिरवा की रिपोर्ट।